आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपका फिफ्थ यूनिट का पहला टॉपिक है रैंडम एसेस मेमोरी। जैसे कि इसके नाम से आपको दिख रहा है रैंडम एसेस मेमोरी, इसका मतलब है कि हम इस मेमोरी से रैंडमली किसी भी लोकेशन के डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। सो रैंडम एसेस मेमोरी जो है इट इज बेसिकली एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। इसका काम क्या होता है, इफ यू वॉन्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स, आपका अपना प्रोग्राम डेटा स्टोर करना है, प्रोग्राम के आउटकम को स्टोर करना है तो रैम यूज होगी। रैम में वी कैन डू रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन, लेकिन ये कब तक हम कर सकते हैं, टिल योर मशीन इज ऑन। यदि मशीन बीच में ऑफ हो गई या पावर फेलियर हो गया तो वो जो भी डेटा रैम में होगा इट विल गेट इरेस्ड ऑटोमेटिकली। इसका एक्सेस टाइम जो होता है मीन्स इफ यू वॉन्ट टू रीड फ्रॉम इट और राइट इन टू इट, तो आप जिस भी वर्ड लोकेशन पे डेटा को लिख रहे हैं या उससे रीड कर रहे हैं इसमें लगने वाला टाइम एक जैसा रहेगा, एंड दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका डेटा जो होता है रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे डिवाइस होती हैं सच एज मैग्नेटिक टेप, इट इज बेसिकली अ सीक्वेंशियल डिवाइस। इट मींस कि आपने यदि इसमें राइट किया हुआ कोई भी डेटा को एक्सेस करना है तो यू नीड टू गो थ्रू फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट डेटा। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रैम, बट रैम इज बिट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज। इफ यू लुक एट टू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम, आप देखिए इसके ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम में कितना वर्ड आप स्टोर कर रहे हैं और हर वर्ड का साइज क्या है। लेट अज्यूम हमने एक अजम्पशन किया कि रैम में 512 × 8, सो इफ आई एम राइटिंग 512 × 8, इसका क्या मतलब है, पहला जो वैल्यूज है 512 ये आपको बता रहा है इतने वर्ड आप रैम में स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा जो डायमेंशन है ये इसमें ये बता रहा है कि हर वर्ड में कितनी बिट है। ओके अब ये 512 लोकेशंस को जब आप एक्सेस करना चाहोगे तो इस एक्सेस करने के लिए हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होगा, तो इन लोकेशन का यूनिक एड्रेस कितनी बिट का होगा, क्योंकि आपको हर लोकेशन को यूनिक एड्रेस देना है, सो विल फाइंड आउट कि आपके एड्रेस भी बाइनरी में है डेटा भी बाइनरी में है। तो 2 to the power 9 = 512, इसका मतलब है कि हम 9 बिट के एड्रेसेस लें तो 0 और 1 के वेरियस कॉम्बिनेशन से हम हर लोकेशन को एक यूनिक एड्रेस दे सकते हैं। सो 9 बिट एड्रेस लाइन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम दिस रैम साइज। ओके नेक्स्ट है वेदर यू आर रीडिंग और यू आर राइटिंग, तो इसमें हमने एक दूसरा कंट्रोल सिग्नल लिया रीड ऑब्लिक राइट बार, दिस इज अ सिंगल कंट्रोल सिग्नल। इसमें यदि इस कंट्रोल सिग्नल में वैल्यू 1 है मींस यू वांट टू रीड, और इसमें वैल्यू यदि 0 है मींस वी वांट टू राइट। ओके नेक्स्ट ये है कि यदि हमारी जरूरी नहीं है कि रैम का एक ही मॉड्यूल हो, सपोज हमें जरूरत है 10 × 24 × 8, तो 10 × 24 × 8 का क्या मतलब है, नाउ यू वांट टू स्टोर 1024 वर्ड्स, तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 रैम चिप विल यूज 2 मॉड्यूल, 1 512 × 8 का एक मॉड्यूल ले लीजिए और दूसरा मॉड्यूल 512 × 8 का ले लीजिए, दिस इज पॉसिबल। सेम वे यदि आपकी वर्ड की बिट्स बढ़ जाए उस केस में भी हम क्या करेंगे, अगेन विल टेक आपका सपोज 512 × 16 हो जाए, सो दिस 16 इज नाउ नंबर ऑफ बिट्स इन द वर्ड्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे 512 × 8 की दो चिप लेंगे और आपके जो 512 वर्ड है हर वर्ड में एक इवन एड्रेस पे और एक ऑड एड्रेस पे आपका एक वर्ड जो होगा वो 16 बिट का स्टोर होगा। सो फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर चिप आप किस लोकेशन से क्या पढ़ना चाह रहे हैं वी नीड टू यूज सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन कैन बी मोर देन 1, तो सेलेक्ट लाइन इसमें कंट्रोल सिग्नल होगा। तो फाइनली या आप रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपकी उस वर्ड लोकेशन का डेटा ट्रांसफर होगा डेटा बसेस के थ्रू प्रोसेसर को, तो डेटा बसेस बाई डायरेक्शनल होती है और एड्रेस बसेस यूनिडायरेक्शनल होती है, तो पर्टिकुलर लोकेशन को इनेबल करेंगे हम एड्रेस डिकोडर से, लोकेशन इनेबल होने के बाद उस जगह का डेटा ट्रांसफर होगा डेटा बसेस से और इट कैन बी यूज बाय प्रोसेसर। ये कब होगा, वेन यू आर रीडिंग फ्रॉम द लोकेशन। नाउ हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट विल सी इट एंड वॉट इज द नेचर ऑफ रैम। रैम वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मेमोरी है, इसका क्या मतलब है कि इसमें लिखा हुआ डेटा लॉस्ट हो जाता है किन्ही भी रीजन से, यदि पावर फेल हो गया हो या आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया हो, तो इसको हम कैसे बच सकते हैं, वी कैन यूज अ बैकअप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस यूज करिए उस कंप्यूटर के साथ, तो उस केस में क्या होगा, यूल गेट सम टाइम टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड टू सेव द कंटेंट्स विच आर देयर इन द रैम। रैम का यदि हम साइज की बात करें, फिजिकली जो रैम होती है फिजिकल साइज रैम का छोटा होता है और इट डिपेंड्स कि आप कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं उसमें। नेक्स्ट
रैम के टाइप्स कितने होते हैं? तो रैम आपने सुना होगा, मेनी टाइम्स वी हर्ड अबाउट कैश मेमोरी। रैम बेसिकली दो तरह की होती है, वन इज एस रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड इज डी रैम विच स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी, इस स्टैटिक से आप क्या समझ रहे हैं? स्टैटिक का मतलब है कि मेमोरी में स्टोर जो भी कंटेंट है वो रिटेन होना चाहिए। रिटेंशन, ये हमें पता है कि चाहे वो एस रैम हो चाहे वो डी रैम हो, यदि पावर ऑफ होगा तो डेटा इरेज हो जाएगा। लेकिन यदि आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई वैल्यू को स्टोर की और जब हम उसे रीड कर रहे हैं तो वो वही वैल्यू रीड करनी है जो राइट की थी, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो डेटा स्टोर रहना चाहिए। कंटेंट्स मस्ट बी रिटेन जब तक कि पावर सप्लाई आप उसे दे रहे हैं, राइट? तो स्टैटिक में रिटेन रहता है, बट डायनेमिक में क्या होता है कि आप जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा जो होता है वो डायनेमिक होता है। सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को हम स्टैटिक क्यों कह रहे हैं और इसमें हम जो जीरो या वन को स्टोर कर रहे हैं वो कैसे स्टोर कर रहे हैं। स्टैटिक रैम का जो बेसिक सेल होता है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर। मतलब हमें देखना होगा कि एक बिट की इंफॉर्मेशन को आप कैसे स्टोर कर रहे हैं और मिनिमम एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेसिक सर्किट हमें क्या लगेगा। तो इस एक बिट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मतलब इट मे बी जीरो और वन, आपको कोई भी बाइस्टेबल डिवाइस लगेगी। बाइस्टेबल डिवाइस की दो स्टेट होती हैं, एक स्टेट विल रिप्रेजेंट जीरो, अनदर स्टेट विल रिप्रेजेंट वन। तो एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर का एक मैट्रिक्स होता है। वी आर नॉट यूजिंग एनी कैपेसिटर इन इट। और ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। ओके, तो स्टैटिक रैम को हमें रेगुलर कोई रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती। इसमें जो वैल्यू आपने स्टोर कर दी वो वैल्यू स्टोर रहेगी। ये जरूर है कि इसका एक बेसिक जो सेल बन रहा है, चूंकि उसमें 6 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, तो उसको 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ज्यादा कॉम्पोनेंट की जरूरत है। मतलब वो मेमोरी स्पेस ज्यादा लेगा, इससे उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। बट चूंकि इसमें हमें एडिशनल कोई सर्किट की जरूरत नहीं उस वैल्यू को रिटेंशन के लिए, तो इसको हम नॉर्मली कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं। और इससे रीडिंग जो होगी, मतलब वी कैन से इट इज अ वेरी फास्ट मेमोरी एक्चुअली, राइट? अब यदि इसका हम बेसिक सेल देखें कि इसके सेल में क्या क्या होता है, तो इसमें लैच एक फॉर्म है। लैच मीन्स हमें एक बिट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अंदर वो तो ठीक है, पर एक बिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। इसको हमने 2 इन्वर्टर से शो किया है और 2 इसके ट्रांजिस्टर, एक्चुअली इसमें 6 ट्रांजिस्टर है, पर 2 ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं जो स्विच की तरह काम करेंगे। और ये ओपन और क्लोज कैसे होंगे? अंडर द कंट्रोल ऑफ वर्ड लाइन। और वर्ड लाइन को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे? इट इज कंट्रोल्ड बाय एड्रेस डिकोडर, राइट? तो इसमें यदि आपकी वर्ड लाइन 0 लेवल पे है तो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ है और लैच में जो वैल्यू स्टोर है वो एज इट इज है। और यदि हमने इसको वर्ड को लॉजिक 1 पे लाए, मतलब हमने वर्ड लाइन को एक्टिवेट कर दिया, तो सेल में यदि 1 स्टोर है तो आप 1 रीड कर लोगे और 0 स्टोर है तो 0 रीड कर लोगे। और इसकी स्टेट वैसे ही रहेगी, यदि हमने वर्ड लाइन को एक्टिवेट नहीं किया तो इसमें 0 स्टोर है तो 0 है और 1 स्टोर है तो 1 है, बिकॉज वी आर डूइंग बोथ द ऑपरेशन। वी आर रीडिंग फ्रॉम द मेमरी, वी आर राइटिंग इन टू द मेमरी। सो दिस इज द बेसिक सेल। बी बी बार जिसमें लिखा हुआ, दीज आर द 2 बिट लाइन्स। ए और बी जो है ये हम रीड कर रहे हैं। T1 और T2 हैं, 2 ट्रांजिस्टर हैं। नीचे आप देखिए, बोथ द ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड टू द वर्ड लाइन। वर्ड लाइन जब एक्टिवेट होगी तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे? दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो जब वो कंडक्ट करेंगे तो आप या तो बी में स्टोर्ड वैल्यू, बिट लाइन में स्टोर्ड वैल्यू को सेल में डालेंगे इफ इट इज अ राइटिंग ऑपरेशन, और यदि रीडिंग ऑपरेशन होगा तो हम उस सेल में, लैच में स्टोर्ड वैल्यू को बी और बी बार के थ्रू रीड करेंगे। सो दिस इज द बेसिक सेल ऑफ स्टैटिक रैम। सपोज हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रीड ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? कौन सी वैल्यू आपको रीड करना है वो आपको डेटाबेसिस में चाहिए। तो प्रोसेसर डेटाबेसिस में वो डेटा रखने के पहले कंट्रोल सिग्नल देगा। कंट्रोल सिग्नल क्या रहेगा? रीड करना है तो 1, देन डिकोडर उस पर्टिकुलर मेमोरी, वो एड्रेस लाइन में वो एड्रेस होगा, एड्रेस लाइन के एड्रेस को डिकोड करेगा डिकोडर। डिकोडर जैसे ही यूनिक लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा उस वर्ड लाइन को एक्टिवेट कर देगा। वर्ड लाइन एक्टिवेट होगी तो ट्रांजिस्टर T1 और T2 क्लोज हो जाएंगे। अब यदि ये रीड ऑपरेशन है तो ए और बी के थ्रू जो ट्रांसफर डेटा है वो बिट लाइन पे ट्रांसफर होगा। और सेंस ऑब्लिक राइट सर्किट जिसे हम कहते हैं, एट द एंड ऑफ द बिट लाइंस इट सेंड्स दैट आउटपुट डेटा टू द प्रोसेसर। तो रीड में मेमोरी लोकेशंस के उन पर्टिकुलर बिट वैल्यूज को हम प्रोसेसर को प्रोवाइड करेंगे, दैट इज रीडिंग फ्रॉम स्टैटिक रैम।
हाउ टू राइट इट. राइट ऑपरेशन में भी आपको एक मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी. प्रोसेसर एड्रेस लाइन में वो एड्रेस प्लेस करेगा, उस एड्रेस को डिकोड करेगा डिकोडर. जैसे ही एड्रेस डिकोड होगा तो वो पर्टिकुलर वर्ड लाइन एक्टिवेट होगी, दोनों T1 T2 क्लोज हो जाएंगे और बिट वैल्यू, जो बिट लाइन्स है उसमें जो वैल्यू है वो सेल में राइट होगी. राइटिंग का काम कौन करेगा? सेंस ऑब्लिक राइट सर्किट, और वो वैल्यू लैच में स्टोर हो जाएगी. तो किसी भी मेमोरी में हम कर क्या रहे हैं, स्पेशली रैम में हम क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग टू ऑपरेशन, रीड एंड राइट. तो वी नीड टू लर्न कि राइट ऑपरेशन कैसे होता है, रीड ऑपरेशन कैसे होता है, बेसिक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, मेमोरी स्पेस कैसे ले रहा है, एक बेसिक सेल में कितनी लाइंस कैसे कनेक्ट हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक रैम? स्टैटिक रैम की लाइफ जो होती है, वी कैन से इट हैज लॉन्ग लाइफ. और क्या है इसमें एडिशनल? इसमें रिफ्रेशर सर्किट की जरूरत नहीं है. अभी आप डायनेमिक रैम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिफ्रेशर सर्किट क्यों लगता है. क्योंकि इसमें हमें रिफ्रेशर सर्किट की जरूरत नहीं है, तो दिस मेमोरी इज फास्ट, इट इज एज इट इज फास्ट, इट इज यूज्ड एज द कैश मेमोरी. एक बेसिक सेल का साइज बड़ा होता है, चूंकि नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं तो एक्सपेंसिव भी होगी, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स ज्यादा है तो हाई पावर कंजम्पशन भी होगा. तो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक रैम. राइट, नाउ वी गो विथ डायनेमिक रैम. क्या होता है डायनेमिक रैम? जो होता है इसमें हम बेसिक सेल जो यूज करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज वेल एज अ कैपेसिटर. और कैपेसिटर में हम चार्जिंग, देखिए फिर हमें बाईस्टेबल डिवाइस चाहिए, तो कैपेसिटर भी एक बाईस्टेबल डिवाइस है. इफ यू विल चार्ज द कैपेसिटर, इट मीन्स इट इज हैविंग अ वैल्यू 1, और अनचार्ज मीन्स 0. द ओनली प्रॉब्लम विद डीरैम इज कैपेसिटर में जो होता है, जो चार्ज हम स्टोर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चार्ज धीरे 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 लीक हो जाता है. तो आप चूंकि जब आप राइट कर रहे हैं तो आपने कैपेसिटर को चार्ज किए, व्हेन यू विल रीड यू वांट द सेम इंफॉर्मेशन टू बी रीड. इट मींस कि हमें एक रिफ्रेशर सर्किट चाहिए जो टाइम टू टाइम उसको डीरैम में स्टोर्ड वैल्यू को रिफ्रेश करता है. अब देखिए स्टैटिक रैम जो होती है, स्टैटिक रैम में कोई रिफ्रेशर सर्किट नहीं है, डीरैम में रिफ्रेशर सर्किट है. रिफ्रेशर सर्किट जो होता है वो इट रीराइट्स द डेटा सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकेंड. डायनेमिक रैम जो होता है मोस्टली ये सिस्टम मेमोरी में यूज होता है. मतलब यदि आप कोई प्रोसेसर ले रहे हैं और उसमें लिखा हुआ इट इज हैविंग 4 GB रैम, सो दैट 4 GB इज एक्चुअली डायनेमिक रैम. ओके, तो इसके जो मेमोरी सेल होता है, बेसिक मेमोरी सेल, इसका एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर को चार्ज करके हम उसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं. अब चार्ज कैसे होगा? यदि आप इसमें कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाह रहे हैं, हम एक बेसिक सेल की बात करें, तो ट्रांजिस्टर T को ऑन कर दीजिए और एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज लगा दीजिए. दैट एप्रोप्रिएट वोल्टेज विल चार्ज द अमाउंट ऑफ द चार्ज टू बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर थ्रू दैट वोल्टेज. राइट, सो दिस इज द बेसिक सेल. यू कैन सी द बेसिक सेल. और जब ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तब क्या हो रहा है? इसका चार्ज होगा, वो डिस्चार्ज होगा. चार्ज डिस्चार्ज होगा तो जब भी हम उसे रीड कर रहे हैं, बीच बीच में तो उसे रिफ्रेश करना ही है, और बिफोर रीडिंग द वैल्यू फ्रॉम द कैपेसिटर उसको फिर से चार्ज करना होगा. अदरवाइज यदि कैपेसिटर का चार्ज एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे चला गया तो पता चला आपने उसमें 1 स्टोर किया था, बट वेन यू आर रीडिंग फ्रॉम इट यू आर रीडिंग 0. सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम. इसमें एक वर्ड लाइन सेम, जैसे आपका स्टैटिक रैम था वर्ड लाइन थी बिट लाइन थी, सेम वे. द ओनली थिंग इज कि बेसिक सेल में केवल एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज होगा, तो एक बिट को स्टोर करने के लिए इसका सर्किट छोटा रहता है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्यों होगी? इसका जो डेटा टाइम है वो शॉर्ट. क्यों शॉर्ट है? क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. तो इसमें हमें एडिशनली क्या लगेगा? रिफ्रेशर सर्किट. रिफ्रेशर सर्किट इसे बार बार जो रहेगा वो रिफ्रेश करता रहेगा. अब जब हम इसे रीड कर रहे हैं तो हमें रीड के पहले उसको रिफ्रेश करना जरूरी है. इट मींस इट इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम. फिर ये मोस्टली जो यूज एज अ रैम यूज होती है, नॉट एज अ कैश मेमोरी. इसका साइज एक बेसिक सेल का साइज छोटा होता है. चूंकि इसमें नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स कम लग रहे हैं तो एक्सपेंसिव कम होगी. नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स कम है बेसिक सेल की तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा. राइट, आप देखिए कि डायनेमिक रैम कितने टाइम्स की होती है. तो डायनेमिक रैम जो होती है ये 5 तरह की होती है, और इसको क्लासिफाई किया गया है. व्हाट इज द स्पीड, हाउ यू आर गिविंग द क्लॉक पल्स टू इट. सो फर्स्ट इज असिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. असिंक्रोनस मींस इट इज नॉट ड्रिवन थ्रू द सेम क्लॉक ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. तो द टाइमिंग ऑफ मेमोरी डिवाइस इज कंट्रोल्ड असिंक्रोनसली. दोनों क्लॉक मैच नहीं होंगी. For that, a specialized memory controller circuit generates the necessary control signal to control the timing.
तो सीपीयू मस्ट टेक इन टू अकाउंट द डिले इन द रिस्पॉन्स ऑफ द मेमोरी, क्योंकि दोनों ही क्लॉक अब अलग है, तो सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम. सिंक्रोनस डायनेमिक रैम जो होता है, इसको सिंक्रोनस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम रैम में जो रीड राइट ऑपरेशन कर रहे हैं इट इज बेसिकली विद द सेम क्लॉक ऑफ द सीपीयू. तो इसमें मेमोरी चिप रहती है, वो सीपीयू जब उससे डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है, रीड या राइट कर रहा है, चूंकि क्लॉक सेम है तो बीच में हमें कोई वेट स्टेट की जरूरत नहीं होगी. तो आपके माइक प्रोसेसर में, आपके प्रोसेसर में जो मॉड्यूल्स यूज होते हैं, जो रैम यूज होती है, जितनी भी कैपेसिटी है, कितने मॉड्यूल यूज होंगे, कितनी रैम, कितनी चिप लगेगी, तो वो सारी की सारी जो चिप्स होती हैं सिंक्रोनस डी रैम ही होती है, राइट. तीसरा होता है सपोज हमें से और स्पीड अप करना है, तो आपने आप सुना होगा DDR SDRAM. DDR जो है वो SDRAM का फास्टर वर्जन. यदि हम इसमें डेटा रीड राइट क्लॉक सिग्नल की दोनों एजेस पे करें, व्हेन क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम लो टू हाई एंड व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, सो वी आर सिंपली डबलिंग द डेटा ट्रांसफर स्पीड. और इसके लिए जब टू एक्सेस द डेटा एट हाई स्पीड, जो मेमोरी सेल्स होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन टू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप इज एक्सेस्ड सेपरेटली, सो सच अ रैम इज कॉल्ड DDR SDRAM. फोर्थ इज रैम्बस DRAM. रैम्बस DRAM भी होता जो होती है, इट प्रोवाइड्स अ वेरी हाई डेटा ट्रांसफर रेट. And to speed up that data, it uses various mechanisms like synchronous memory interface, caching use karega, DRAM ke andar cache kar do data, aur fast timing signals use hote hain. So this is RAMBUS data bus. And fifth one is cache memory. So cache is nothing, it is a static RAM. To DRAM ke saath yadi hum cache memory use karein, to processor se read or write operation jo honge, we can perform with a much faster speed. So high speed buffer, that is nothing but SRAM is used. So now it's the time to conclude the things ki ye dono memory actually kahan kahan mein kya difference hai. To hum yadi ek differentiation kare ki static RAM aur dynamic RAM mein kya fark hai, to aap keh sakte hain in terms of the speed yadi hum baat kare to static RAMs ka jo access time hota hai wo kam hota hai, matlab isme read write operation mein hame kam time lagta hai in comparison to DRAM. Second hum baat kare cost ki, yadi hum baat kare तो स्टैटिक रैम से हम जो बेसिक कंपोनेंट में, बेसिक सेल में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा है, तो एस रैम की कॉस्ट डी रैम से रिलेटिवली ज्यादा होगी. फिर यदि हम इसको बात करें कि इसमें रिफ्रेशर सर्किट की बात करें, तो स्टैटिक रैम में रिफ्रेशर सर्किट की जरूरत नहीं होती है, जबकि डायनेमिक रैम में रिफ्रेशर सर्किट की जरूरत होती है. फिर पावर कंजम्पशन की बात करें, तो एस रैम में पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है और डी रैम में पावर कंजम्पशन कम होता है. सो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस. और एस रैम में जो होता है इसकी पैकेजिंग डेंसिटी लो रहेगी. यदि हम सेम साइज की चिप की बात करें कि 512 KB, तो एस रैम जो है उसका साइज ज्यादा होगा और डी रैम का साइज रिलेटिवली कम होगा. सो दीज आर द सर्टेन डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस टॉपिक. हमने जो आज टॉपिक पढ़ा है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. नाउ बेसिक सेल समझने तक तो ठीक है, लेकिन यदि हमने अब बल्क में आपका रैम 4 GB है, रैम नंबर ऑफ चिप्स ज्यादा है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन तक आप कैसे जाएंगे, हाउ टू डू द रीड राइट ऑपरेशन थ्रू व्हेन द मेमोरी सेल, मेमोरी चिप, देयर आर नंबर ऑफ चिप्स और वन मेमोरी चिप ऑफ हायर साइज, हाउ टू डू इट. सो वी विल गो थ्रू विद ऑल दीज कंसेप्ट इन आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट.